हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर का एक आपका सब्जेक्ट है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का। आज हम एग्ज़ाम पैटर्न और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, बट इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। और हर पैटर्न को जानने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट सिलेबस आप नहीं समझ पाओगे कि जो क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट से, किस यूनिट से एग्जामिनर उठा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले सिलेबस देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर जैसा कि सब्जेक्ट का नेम है, और अगर मैं बात करूँ इसके यूनिट की, तो टोटल जो इसमें यूनिट आती है वो 3 यूनिट का ये पूरा सिलेबस यानी सब्जेक्ट है आपका। पूरा जो सब्जेक्ट है 3 यूनिट का है। और अगर बात करूँ पहली यूनिट में आपसे, देखिए अब कई स्टूडेंट समझ नहीं पाते सर ये है क्या। सिंपल है, ये एक आपका कोई कंटेंट है, इसको आपको पढ़ना है। मतलब हो सकता है होमर द्वारा जो कोई लिखी गई कोई स्टोरी हो, कोई नोवेल हो, लिखा है ना। देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, यानी यूरोप के जो भी लेखक है, जो भी राइटर्स है, जो भी थिंकर है, उनके द्वारा जो जो स्टोरी लिखी गई है, जो जो उनके ऊपर आपको पढ़ना है। जैसे होमर ने लिखी हुई है द ओडिसे, इस ये है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपके 2 है एरिस्टोटल, आपका एंटीगन। तो ये सारे आपके मतलब थिंकर्स की विचारधारा के ऊपर नोबल्स है, कविताएं है, हर चीज़ें आपको पढ़ना होगा। तो इसमें कुछ बताने का तो है नहीं, क्या ही बताऊँगा। पढ़ोगे तो इसी से क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसका पैटर्न दिखाऊँगा। यूनिट 3 में आपका एरिस्टोफेन्स, ठीक है। तो ये पूरा आप इसका सिलेबस है, सिलेबस आप देख लीजिए। आप देख लेते हैं जरा इसका पैटर्न कैसा रहता है, पेपर का पैटर्न बहुत ज़रूरी है देखना। तो ये सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अब सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या आ रहा है। तो ये है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर बी ऑनर्स इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर मैं पेपर की बात करूँ तो 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा सोल के अंदर। रेगुलर के अंदर 90 का आएगा, क्योंकि इस बार उनका चेंजेस है। 3 घंटे का समय मिलेगा। और देखिए साफ है सवाल कैसे बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे एक ही लैंग्वेज में, वो भी इंग्लिश में, हिंदी नहीं है, इंग्लिश में करने होंगे। अब देखिए साफ है आप क्वेश्चन कैसे है, ब्राइट है शॉर्ट नोट इसके ऊपर, जो भी आपने पढ़ रखा होगा उसको शॉर्ट नोट लिखना है। इन दोनों में से एक करना है, इन द फिगर ऑफ। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि बुक पढ़ के जाओगे तो ही पता चलेगा कि उस चैप्टर में क्या है, चैप्टर के अंदर ही क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आपके सामने है। सिलेबस कवर करके जाना, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर है ये। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट को, कुछ चैप्टर को जोड़ा गया हो सब्जेक्ट के अंदर, और कुछ सब चैप्टर को हटाया गया हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, इस तरीके से आते हैं इसमें क्वेश्चन। देखिए अब इसे समझाने का कुछ है ही क्या, आप तो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी आपकी पोइट्री है उसी को आपको पढ़ो और देन आंसर दो। जैसे प्लेटो, आपके इस वक्त एरिस्टोटल के बारे में पूछा गया है ना, देखिए इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये है इसका पूरा पैटर्न, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर यानी वेस्टर्न कल्चर के ऊपर पूरा ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बताने का कुछ इतना कुछ था नहीं इसमें, क्योंकि चैप्टर में से आएंगे तो ये तो है नहीं कि इसमें मैं इंपॉर्टेंट आपको दे दूँ बता के। क्यों? क्योंकि ये ऑनर्स का ऐसा सब्जेक्ट होता है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जामिनर कहीं से ही बना देगा। सिलेबस कवर करके जाना, जो सिलेबस बताया वो NAP बेस्ड सिलेबस है, ठीक है। हाँ कुछ हो सकता है पेपर में आप कहोगे सर ये चैप्टर इसमें मैच नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपका NAP है तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस एग्जाम पैटर्न आपको समझा रहा हूँ सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच।